तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड जो लियांग होती है उसने उसे 100 मिलियन का मतलब डोनेशन दिया होता है। वो कह रही होती है कि मैंने अपनी मम्मी को बताया उस स्कूल वगैरह और रोड के बारे में, तो उन्होंने मतलब 100 मिलियन का डोनेट कर दिया। अब हम देखते हैं लिन जो होता है वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है और कह रहा था कि वाह यार मतलब 40% का तो स्पॉन्सरशिप ही मिल गया, वो भी तुम्हारी मतलब सासू माँ से। अब वो उसकी मम्मी को सासू माँ बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि ठीक है फिर तुम जाओ और अपनी मम्मी को बता देना कि मैंने पैसे वगैरह ले लिए। फिलहाल हम देखते हैं जो लियांग होती है वो यहाँ पे सरमारी होती है और लिनी मतलब ऐसे कर रहा था जैसे मतलब कितना लालची हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ तो बताओ अब तुम्हारे क्या प्लान है, मतलब तुम आगे क्या करने वाले हो, मतलब बिकाओ में तुम जाओगे तो तुम कैसे करोगे, क्या क्या करोगे। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि हाँ मैंने सोचा है। हम देखते हैं वो उसे बताने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे पास ना एक कलीग है जो कि बिकाओ टाउन से ही बिलोंग करती है। वो कहने लगता है कि मैं उसके साथ में जाऊँगा और वो भी कल जाऊँगा। अब हम देखते हैं ये कल जाने की बात कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो लियांग होती है वो थोड़ी सैड दिखाई देती है। वो कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं वैनसू को बता दूंगी, वो तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाएगी, मैं उसे बता दूंगी। हम देखते हैं यहाँ पे ये बोल रही होती है और कह रही थी तुम जाओ। अब हम देखते हैं ये लिनी कह रहा होता है कि अच्छा मेयर लियांग ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे भगा रही हो, मतलब तुम मेरा यूज़ करके भगा रही हो। फिलहाल हम देखते हैं वो चढ़ जाती है, कह रही थी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ऐसे मतलब रिएक्ट मत करो। अब हम देखते हैं उसके ऊपर मतलब कुछ फेंक वैग रही होती है और ये जा रहा होता है। मतलब यहाँ पे ये लोग मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं सिंपली। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो मेयर लियांग होती है वो थोड़ा इंप्रेस हो चुकी होती है, ये तो वैसे पहले से ही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो लिन होता है ना वो अपने मतलब लिंगन बिल्डिंग आ चुका होता है क्योंकि इसे चेक जो है जमा करना होता है, मतलब चेक को अपने बैंक में मतलब ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करना होगा वो करेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो यहाँ पे आता है, कह रहा था कि ये चेक तुम लो। हम देखते हैं वो युआन के पास आता है, बट हम देखते हैं वो देख के ना हैरान हो जाता है क्योंकि जो युआन होती है ना वो यहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही होती है, मतलब ऑफिस के अंदर ड्रेस चेंज। फिलहाल हम देखते हैं वो भी देख लेती है इसे और कह रही होती है कि ये क्या हो गया। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे तुम आखिर यहाँ पर ड्रेस चेंज क्यों कर रही हो, बताओ जरा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो युआन होती है वो बहुत ज़्यादा चढ़ रही होती है क्योंकि वो मतलब अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अब हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है, कह रही थी कि मेरे को कैसे पता नहीं चला कि तुम आ जाने वाले हो। हम देखते हैं उसे बताने लगती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो मैं यहाँ पे कभी ड्रेस चेंज नहीं करती, अभी इस टाइप की बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जाके बैठती है और हम देखते हैं जो लिनी होता है उसे चेक देता है, कह रहा था कि ये लो ये डोनेशन है और इसे मतलब प्राइमरी स्कूल की डोनेशन समझो। हम देखते हैं लिनी जैसे इसे देता है ना वो लड़की देखती है, कह रही थी अरे वाह इतने सारे पैसे। अब वो कह रही होती है कि वाह ऐसा लगता है जैसे हमें तो कुछ भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम तो मतलब डोनेशन में ही हो गया। अब भाई 100 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ओ माय गॉड इस चेक की मैंने इन्फॉर्मेशन चेक करी, जो मतलब जो फाउंडर है ना या फिर जो ओनर है जिसने चेक दिया है उसके पास कम से कम जिसकी जो वैल्यू है ना वो कम से कम 8 ट्रिलियन की है। अब भाई 8 ट्रिलियन पता भी कितना होता है, 8000 मिलियन होता है। अब ये सुन के ना मतलब जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या सच्ची में। अब वो सोच रहा होता है क्या ये मेयर लियांग मतलब उसकी मम्मी इतनी अमीर है। अब वो ये सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है जो ये चेक है ना उसे डिपॉजिट मत करो, मेरे को अभी कुछ काम है। अब हम देखते हैं लेनी जो है अपने बाहर मतलब अपने ग्रुप से बाहर आता है या अपनी कंपनी से बाहर आता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये लियांग की मम्मी है कौन, सच में मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं उसकी मम्मी के बारे में मतलब उसको सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे उसकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं वो उसकी मम्मी के और जो उसकी मम्मी का ग्रुप होता है ना वो और अपने ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मेरा ग्रुप तो बहुत ही छोटा है उनके मुकाबले। अब हम देखते हैं यही सब सोच रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं वो लोग एयरपोर्ट आ चुके होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे वो जो मीडिया टीम वाली नहीं थी जो लिनी का इंटरव्यू ले रही थी वो लड़की भी आई होती है। वो कह रही थी कि हेलो मिस्टर लिन और इसी का नाम वैंसू है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि भाई लिन से यहाँ पे इसकी मुलाकात जो हो गई। फिलहाल हम देखते हैं लिनी अभी आ रहा होता है और साथ में उसके साथ में ली चौहान भी होती है। अभी लड़की पूछ रही होती है क्या ये ब्यूटीफुल वुमेन की आपकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे जो ली चौहान होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इनकी फ्रेंड हूँ, फ्रेंड फ्रेंड। हम देखते हैं वो ये सब बता रही होती है। तभी हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना ये बताने लगती है कि ओ नो अब तो मेरे से एक प्रॉब्लम हो गई। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जो मैंने होटल में रूम बुक किया था ना वो एक ही रूम बुक किया था, अब चेंज करना पड़ेगा। अब यही सब बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि मेरे को नहीं लगता कि जो बिकाउ टाउन है वहाँ पे हम आसानी से चले मतलब जा पाएंगे। ली चौहान भी कहने लगते हैं कि हाँ मेरे को पता है वहाँ पे मतलब 30 किलोमीटर तक ऐसी मतलब कच्चे बच्चे रास्ते हैं और शुक्र मानो कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो कीचड़ कीचड़ हो जाता सारा। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर। हम देखते हैं उससे कहने लगता है जो वहाँ पे मीडिया वाली होती है उससे कहने लगता है कि चलो तुम मेरे को ना किसी शॉप वगैरह पे ले जाओ जहाँ पे मैं कार परचेज कर सकूँ। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मेरे को ना मतलब जाने के लिए कार चाहिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि मेरे को कार परचेज करनी है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जो है शोरूम आ चुके होते हैं, अब ये ऑक्सफोर्ड वाली जो कार है वो लेने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो मीडिया वाली होती है ना वो तो अपने फोन में लगी होती है और लिन जो है मतलब अपनी कार वगैरह देख रहा होता है कि कौन सी सही है। फिलहाल हम देखते हैं वो एक कार के पास आता है जो कि जी वैगन होती है। लिनी कह रहा होता है कि चौहान से तुम बताओ ये कार सही है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट आती है, वो कह रही थी कि मिस्टर लिन आप
क्या सो रहो, मतलब क्या आपको जी वैगन कार लेनी है? फिलहाल हम देखते हैं, उसे प्राइस बताती है, कह रही होती है ये कम से कम 300 मिलियन की है। अब भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है जो मीडिया वाली होती है। लेनी कह रहा था कि हाँ ठीक है, तुम जो कार्ड है वो स्वाइप कर दो। अब लेनी सीधा कार्ड जो दे देता है और मतलब स्वाइप करवा देता है। फिलहाल हम देखते हैं, मीडिया वाली कह रही होती कि मिस्टर ले सुनो, मेरे को ना बाथरूम जाना है, तो मेरे को कुछ काम मतलब बाथरूम जाना है, एक्सक्यूज़ मी। हम देखते हैं वो यहाँ पे मतलब सेक्रेटरी वू को कॉल लगाती, कह रही थी कि सेक्रेटरी वू मेरे को ना आपसे कुछ बताना है। वो कहने लगती कि जो ये आदमी नहीं है लेनी नाम का, उसने अभी स्पॉन्सरशिप की जो पैसे है ना उससे 300 मिलियन की एक कार ली है। फिलहाल यहाँ पे ना ये लड़की डबल गेम खेल रही होती है लेनी के साथ में और उस बंदे के साथ में। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम मजाक कर रही हो। वो कहने लगता है कि जो स्पॉन्सरशिप के जो पैसे हैं ना वो 500 मिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी ने एक रुपया भी कुछ नहीं लिया, ठीक है, और तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो उसने पैसे कुछ खरीद लिया। वो कहने लगता है कि तुम ना एक बहुत बेकार रिपोर्टर हो, ठीक है, और ऐसी वैसी मत बातें मत किया करो, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसा कुछ बोलने की। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती कि तो फिर आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, क्योंकि यार स्पॉन्सर के पैसे तो खर्च हुए नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसका कार्ड जो है स्वाइप सक्सेसफुल हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये लो आपका जो परचेस कॉन्टैक्ट है ये लो। अब वो जो है जो लड़की होती है ना वो लेनी को कॉन्टैक्ट दे रही होती है, बट हम देखते हैं लेनी जो है पेन लेता है और ली चौहान की तरफ दे रहा होता है और कह रहा था कि ये लो साइन करो तुम। अब ली चौहान को साइन करने के लिए बता मतलब कह रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ली चौहान कह रही होती क्या मैं साइन करूँ। वो यहाँ पे थोड़ा मतलब अजीब बिहेव कर रही हो, मतलब अजीब सोच रही होती है कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है, सोचो, और अब तुम्हारा जो स्टाइल है वो भी चेंज करने की बारी आ गई है। हम देखते हैं लेनी ऐसा कुछ बोलता है, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या ये बंदा सच में मतलब ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे इसका लवर है क्यों। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो तो हो ही रही होगी, लेकिन हम देखते हैं जो ली चौहान होती है वो इसकी शक्ल देखती थोड़ी और देखने के बाद सोच रही होती है कि चलो कर ही देती हूँ। अब हम देखते हैं वो फटाफट साइन कर देती है और उन्हें देखिए यार जी वैगन जो मिल रही है। फिलहाल हम देखते हैं इनका सब कुछ हो चुका होता है सेटल वगैरह। अब वो लड़की कहने लगती है कि चलो आप लोग गैराज में चलो, आपकी कार जो है वेट कर रही है आपका। अब हम लोग देखते हैं ये लोग जो है कार के पास आते हैं और मतलब कार को देख के ना मतलब क्या ही बोल दिया यार, जी वैगन है कार, कसम से देखो जरा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इसे देखता है, कह रहा था कि ली चौहान तुम लो इसे, तुम ड्राइव करो। अब हम देखते हैं ली चौहान को वो ड्राइव करने के लिए बोल देता है और ये ली चौहान जो होती है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब डायरेक्टर ली जो की है। फिलहाल हम देखते हैं वो कार की सीट पे आगे बैठती है मतलब ड्राइविंग वाली सीट पे और लेनी जो है इसके साइड में बगल में बैठता है। बट हम देखते हैं वो जो रिपोर्टर होती है वो भी बैठने के लिए आ रही होती है, बट हम देखते हैं लेनी जो होता है उसे मना कर देता है, कह रहा था कि मिस वैन देखो आपका काम हो गया, अब आप जा सकती हो, अब आप यहाँ से अब हम लोग अलग रास्ते हैं और आप अपने रास्ते। अब हम देखते हैं लेनी जो है इसे मना कर देता है, कह रहा था कि तुम अपने रास्ते जाओ। वो लड़की कह रही थी क्या मैं अलग क्यों। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं ली चौहान मतलब एक्सेलरेटर पर पैर मारती है और बस अपनी गाड़ी भगाती है, धुआं धाड़ करती हुई निकल लेती है। फिलहाल हम देखते हैं इसके मुंह पर तो धुआं हो जाता है बेचारी, मतलब ये थोड़ा अजीब था और बहुत रूट था, बट कोई बात नहीं होता है यार। फिलहाल हम देखते हैं वो जो ली चौहान होती है कह रही थी कि तो बताओ तो लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। अब हम देखते हैं लेनी जो होता है अपने गूगल मैप में मतलब रास्ता निकाल देता है, कह रहा था कि तुम ना ब्लू स्काई ना था ले चलो वहाँ पे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, इस बस ये सब चीज़ें फॉलो करो और चलते जाओ। हम देखते हैं वो अनाथालय जाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पे से और भी काम होगा, कुछ काम किया मम्मी से मिलना होगा और क्या सिंपल। फिलहाल हम देखते हैं वो जो ली चौहान होती है कह रही थी क्या तुम अनाथ हो। हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है, लेनी कह रहा था कि तो क्या कोई दिक्कत है अनाथ होने में। अब हम देखते हैं वो कह रहा था क्या तुम सरप्राइज हो बताओ। अब जो ली चौहान होती है वो सोच रही होती कि हाँ बात तो सही है लेकिन फिर भी क्या इसने मतलब अनाथ होके सब कुछ मतलब इकट्ठा किया कैसे यार। बात तो होती है मतलब शक तो होता है कि मतलब बंदा अनाथ है और इतना अमीर कैसे हो सकता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं ये लोग अनाथालय आ चुके होते हैं और हमें यहाँ पे बच्चे के खेलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल एक बच्चा देख खेल रहा होता है, कह रहा था कि ब्रदर ही आ गए वाह। और यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सारी पलटन जो है लिन के पास आ चुकी होती है। अब लिन जो होता है मतलब इन सबको देख के और ये भी खुश हो जाता है। फिलहाल एक लड़की कह रही होती है कि ब्रदरी मुझे एक हक करो बहुत बड़ा वाला। फिलहाल ये हक करने के लिए आ रही होती है। अब लेनी से देखता है, कह रहा था कि अरे ये बताओ तुम आखिर इतना खाती क्यों, बताओ जरा, अगर तुम इतनी खाती रहोगी ना तो फिर तुम मोटी हो जाओगी, तो मैं तुम्हें हग नहीं कर पाऊंगा। अब लेनी जो इसे छेड़ रहा होता है और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी से पूछ रहा होता है कि जो वैंग माँ है वो कहाँ पर है बताओ जरा, क्या वो कोर्टयार्ड के पीछे है। अब इससे पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि हाँ वो रही वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। अब हम देखते हैं लड़की जो है उसका एड्रेस बता देती है मतलब वैंगमा का। अब लिन जो है कह रहा था कि चलो ठीक है फिर वैंगमा को ढूंढने चलते हैं। अब ये लोग जो है वैंगमा के पास जा रहे होते हैं लेकिन वैंगमा इन्हें मिल जाती है। अब वैंगमा कह रही होती है क्या एक और लड़की, ओ माई गॉड आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम एक और लड़की को लेकर आए। अब मैं बता दूँ ये ऐसा क्यों बोल रही, क्योंकि इससे पहले ना मतलब लिन जो है यैन को भी लेकर आया था बहुत पहले, अब यैन के साथ में अब ली चौहान को भी लेकर आ गया, तो यार मतलब आंटी को तो थोड़ा डाउट होगा ना। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे कुछ नहीं। अब हम देखते हैं लिनी जो है ली चौहान को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, कह रहा था कि ये ली चौहान है ठीक है और ये डायरेक्टर है हमारी डिपार्टमेंट की। अब हम देखते हैं जो ली चौहान होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं बट वो जैसे तैसे करके कह रही होती है हाय आंटी, मतलब
थोड़ा बहुत तो चलता है यार। फिलहाल हम देखते हैं, वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आओ आओ जल्दी आओ इधर आओ और बैठो। हम देखते हैं जो आंटी होती है वो कह रही थी कि पागल लड़के तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को पहले बताता तो मैं मार्केट से सामान वगैरह ले आती, मुझे पक्का पता है तो ना कुछ खाया पिया तो होगा नहीं तो फिर डिनर वगैरह के लिए। वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं बना के लाती हूँ। बट हम देखते हैं जो ली चुहान होती है वो कह रही थी कि आंटी सुनो मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, मतलब ये खाना पीना बनाने के लिए भी हेल्प करने की बात कर रही होती है। यार ऐसी लड़की मुझे भी चाहिए यार, कसम से मजा आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। अब जो आंटी होती है ना वो कह रही थी ये तो बताओ तुम यहाँ पे मतलब काम के सिलसिले से ही आए हो, बस 4-5 दिन के लिए नहीं रह सकते। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे आंटी जो है थोड़ी नाराज़ हो रही होती है। बट हम देखते हैं लिन जो कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, बट वो कहने लगता है कि चेंगाई में ना अभी बहुत सारे काम है तो वो ख़त्म करके मैं फिर से आऊँगा ट्रिप पे। हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो से मतलब कुछ देरी होती है खाने के लिए। अब ये सब देख के ना मतलब लिन जो थोड़ा उदास हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तुम ना अपने काम पर ज़्यादा ध्यान मत दे करो, ठीक है खाना पीना भी खा लिया करो। अब ये सब मतलब आंटी देरी होती है इसे। फिलहाल लिन यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है क्योंकि यार होना भी पड़ता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं, कह रहे थे कि वेंगमा बाय बाय मैं आपको बाद में मिल जाऊंगा। अब यहाँ पे बाय बाय टाटा कर रहे होते हैं और मैं भी करने वाला हूँ, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। और हाँ यार तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय टाटा। और हाँ यार मेरे को थोड़ा काम में बिजी हूँ नहीं तो मैं वीडियो बहुत लंबी डाल दूंगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।